नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे जो जनरली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन की हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज आपको डेली देखने को मिले। तो आइए, आज के कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस शहर से है? चार ऑप्शन हमारे पास में है, बीकानेर, किशनगढ़, बूंदी और सांगानेर, जिसका सही उत्तर होगा किशनगढ़। और इसे हम राजस्थान या भारत की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन हमारे पास में है, करौली, बीकानेर, सीकर वह सवाई माधोपुर, जिसका सही जो उत्तर है वो होगा सीकर। तो जीर्ण माता का जो मंदिर है वो सीकर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? चार ऑप्शन हमारे पास में है, नैण सिंह, सूर्यमल मिश्रण, दयालदास या श्यामलदास, जिसका सही जो उत्तर होगा वो होगा दयालदास। और इसलिए इसे कई बार दयालदासरी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है? यानी कि तेजाजी का मंदिर जो सुरसुरा में है, तो वह सुरसुरा या तेजाजी का जो मंदिर है प्रमुख, वो कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन, बीकानेर, अजमेर, जयपुर व सीकर, जिसका सही जो उत्तर है वो होगा अजमेर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, सेवन घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो चार ऑप्शन हमारे पास में है, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर व बांसवाड़ा, जिसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। ये प्रमुख रूप से जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छह, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? पांच प्रमुख नदियों पर यह बना बना हुआ बांध है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिख रहा है, भरतपुर, जयपुर, करौली, एक ऑप्शन दो बार आ गया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करौली। तो पांचना बांध करौली में है। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का पावर प्लांट है? तो इसका सही उत्तर होगा ये गैस पर आधारित पावर प्लांट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन संख्या आठ, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊंट के बीमार होने पर हम जो है वो बाबूजी की पूजा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इसबगोल एक ऐसी फसल है जिसे आमतौर पर औषधियों के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन चार हमारे पास में है, जालौर, उदयपुर, गंगानगर व भरतपुर, जिसका सही उत्तर होगा जालौर। ये इसका सबसे बड़ा उत्पादक, राजस्थान में इसका सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। अगले और दसवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन हमारे सामने है, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी, माऊजी और मोतीलाल तेजावत, जिसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक। जो नाम हमें दिए गए हैं इनमें से विजय सिंह पथिक ठीक है। ये आंदोलन क्या था, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो ये बिजोलिया आंदोलन जो है मेवाड़ राज्य का एक बहुत ही प्रमुख आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1897 में हुई। और ये आंदोलन क्यों किया गया था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो अत्यधिक लगान के कारण ये आंदोलन शुरू किया गया। और इसका नेतृत्व जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा किया गया, जिसमें फतेहकरण चारण, सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा जैसे नाम इसमें उल्लेखनीय है। इसके साथ ही यह आंदोलन लगभग आधी शताब्दी तक चला और 1941 में यह समाप्त हुआ, यानी कि 1897 से शुरू होकर के 1941 में यह समाप्त हुआ। और वर्तमान समय में ये बिजोलिया कहाँ पर है, कई बार प्रश्न ये भी आता है, तो वर्तमान समय में ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र यह प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? ऑप्शन चार हमारे पास में है, ब्यावर, चंदेरिया, लाखेरी या गोटन, इसका जो सही उत्तर है वो है लाखेरी। और ये लाखेरी
बूंदी जिले में स्थित है। ये जो कारखाना है वो एसीसी कंपनी के द्वारा लगाया गया था, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, और लगभग इसकी स्थापना 1911-12 में हुई थी और 1917 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। अभी हाल ही में इसे अडानी ग्रुप के द्वारा खरीद लिया गया है, यानी कि लगभग 100 साल पुराना जो प्लांट है ये, इसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी एक दलहन फसल है? देखिए, फसलों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ फसलें दलहन है जो दालों के काम में आती है, कुछ फसलें तिलहन है जो जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, कुछ फसलें खाद्यान्न है जिनको खाने के काम में लिया जाता है, और कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको हम रेशेदार फसलें भी कहते हैं, जिनका रेशा काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर दलहन जो फसल है वो प्रमुख एक फसल है और वो हमारा ऑप्शन है मोठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है। कुबड़ पट्टी का मतलब होता है कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसके कुबड़ निकलने लग जाती है, ये फ्लोराइड के कारण ये समस्या होती है। और चार ऑप्शन हमारे पास में है, दो दो जिलों की युग्म यहाँ पर दिए हुए हैं, और जिसका सही उत्तर होगा नागौर व अजमेर। इस बेल्ट में फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज्यादा होने के कारण ये इसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 14 प्रश्न क्या है। रिको का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे पास में यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी जोधपुर। और इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारे राज्य की राजधानी जयपुर में रिको का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15। कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चार ऑप्शन हमारे पास में है, दयाराम सानी, आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी अमलानंद घोष और ऑरेल स्टीन। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अमलानंद घोष। इसको हमें इस प्रकार से याद रखना है कि कालीबंगा स्थल जो है उसको सर्वप्रथम अमल में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो अमलानंद घोष थे, तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वीराज राठौड़ किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डिंगल भाषा, तो यहाँ से डिंगल जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 17। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? चार नाम हमारे सामने हैं, ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी केसरीलाल बारट, ऑप्शन सी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा माणिक्यलाल वर्मा, जो मेवाड़ के एक प्रमुख व्यक्ति और क्रांतिकारी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चार ऑप्शन हमारे पास में है, ऑप्शन ए जोहड़बीर, ऑप्शन बी बांकलिया और ऑप्शन सी अंबिकानगर और ऑप्शन डी फतेहपुर। जिसका सही उत्तर होगा अंबिकानगर, या इसको इसका सही नाम जो है वो है अविकानगर। अविकानगर टोंक में भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। तो जिला अगर आपको पूछा जाए तो टोंक, और जगह अगर आपको पूछा जाए तो अविकानगर टोंक इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। धावा डोली जो अभयारण्य है, धावा डोली अभयारण्य वो किसके संरक्षण के लिए, यानी कि किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी कृष्णमृग, ऑप्शन सी सर्प और ऑप्शन डी गोडावण। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णमृग, यानी कि काले हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी, और इसमें चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर व चित्तौड़गढ़। और इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा जो है, सॉरी, भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे स्थित है। आज के लिए इतना ही, अगली सीरीज में और हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।